बोले। देखिए देखिए इस देश का युवा उबल रहा है, इस देश का युवा बार बार प्रधानमंत्री जी से, HRD मिनिस्टर से, इस देश में, इस केंद्र में बैठे सभी नेताओं से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा है, अपना अधिकार मांग रहा है। ये हमारे भाई जितने भी हैं, बहने हैं, ये हर राज्य से आई हैं, ये मिनी हिंदुस्तान के एक एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता हुआ ये छात्र है, और ये जो भावना है ये हर राज्य की भावना है। मैं प्रधानमंत्री जी से, जो संवेदनहीन हो चुके हैं, मैं ये कहना चाहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, आपने जो 2 करोड़ रोजगार देने का हर साल वादा किया था, हे सरकार, हे सत्ता में बैठे हुए घमंड में चूर, आप इस बात को याद करिए कि बड़े बड़े मंचों से, बड़ी बड़ी चुनावी रैलियों से आपने युवाओं को, हिंदुस्तान के युवाओं को झूठे सपने दिखाए। आपको हिंदुस्तान के युवाओं से, इस देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और मैं बताता हूँ माफी क्यों मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो 2 करोड़ हर साल रोजगार देने के जो वादे किए थे, उस वादे को उन्होंने नहीं निभाया है। और इसलिए हिंदुस्तान का, अभी हमने ट्विटर पे, यो हमने ट्विटर पे 1.7 मिलियन ट्वीट्स किए और प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी मान जाइए, प्रधानमंत्री जी हमें रोजगार दीजिए। आज ये युवाओं की संख्या 200-250 है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हम कोई राजनीति से नहीं हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपना अधिकार मांगते हैं। और इस ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इस संविधान ने, बाबा साहेब के संविधान ने, नेहरू जी की विचारधारा ने, फूले जी की विचारधारा ने हमें मजबूत किया है, हमें आज़ादी दिलाई है। हम अपने रोजगार की बात करते हैं, और ये जो किसानों, हमारे जो किसान हैं, जवान हैं, छात्र हैं, छोटा मीडियम स्केल बिजनेसमैन है, आज सभी परेशान हैं। इस देश में एक अजीब उदासीनता का माहौल है। मैं समझता हूं कि आप भाई जो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं हम सभी छात्र, क्योंकि आज हिंदुस्तान में मीडिया का एक बहुत ही काला दौर चल रहा है, और इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जब हिंदुस्तान बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, किसानों से, किसानों की बदहाली से जूझ रहा था, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बंगाल में चुनाव करा रहे थे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री लाखों करोड़ रुपया बंगाल के चुनाव में कर रहे थे। मैं फिर से आग्रह करूंगा इस देश के प्रधानमंत्री जी से और हिंदुस्तान के सभी, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल द अनएम्प्लॉयड यूथ, आई ओ द गारंटी एंड आई with folded hand ask the prime minister to give us employment। पूरी तरह से हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं। हम लोग की सर ना तो कोई मतलब राजनीतिक और ना तो किसी का मतलब किसी से हम लोग को मुद्दा है। हम लोग की मांग है कि हम लोग जिस योग्य मतलब हैं हम लोग को अपना हक मिले, क्योंकि सर हम लोग जो है इनके लिए मतलब हम लोग महीना रोज से लमसम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार बार बार हमारी आवाज़ों को सुनी नहीं, अनसुन करके अनसुनी कर रही है। यहाँ तक कि सर हम लोग जो है जहाँ पर भी एप्लीकेशन देना था, जैसे सचिवालय हुआ, BJP हेड ऑफिस हुआ, मतलब राष्ट्रपति भवन हुआ, गृह मंत्रालय को, सब जगह सर दे चुके हैं। वहाँ सर जी हम लोग के आशा के वे हम लोग को मिली, वहाँ से निराशा, मतलब कहीं सर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रही, हम लोग की बातों को सर बिल्कुल अनसुनी कर रही है। अब सर हम लोग करे करे क्या, जो आपने जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए जो योग्यता होती, जो क्राइटेरिया उनकी होती है, हम लोग जब सर उनको पूरा
फुलफिल कर चुके हैं तो फिर जो है आप हम लोग को क्यों नहीं ले रहे हैं, अगले नेक्स्ट वैकेंसी क्यों निकाल रहे हैं। सर ने अभी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन किया कि आप लोग को लेना क्यों नहीं चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसने चाय को बेचा है और उनको दूध और चाय पत्ती चीनी का पता है कि कितने कितने मतलब क्या किन का रेट होता है, तो वही रेट मतलब चौवनी अठन्नी भाव करके जो है ना वो एक एक करके बिजनेस का जो है क्राइटेरिया मतलब जो है फिल कर रहा है। जैसे कि सर एक बार मतलब 60,210 वैकेंसी निकाली गई 2018 में, उनमें जो है 58 लाख लड़का भरा था सर, उनमें 58 लाख लड़का जो है एग्जाम में बैठा, उनमें सर हम लोग जो है 1 लाख लास्ट चरण जो मेडिकल फिट होता सर 1 लाख लड़का हम लोग फाइनल में पहुंचे, उनमें से भी सर उसने मतलब 60,210 वैकेंसी निकाली गई थी, जबकि एक सीट पे सर जी 2 लड़का फाइट नहीं कर रहा होता है, टोटल फिट हुआ कितना 1,09,000 लड़का, जबकि 60,210 दुना अगर 2 लड़का एक सीट पे फाइट करता है तो 1,20,400 लड़का होता है, उतना भी नहीं था, फिर भी जो है सर 1 नंबर नहीं 2 नंबर नहीं, जबकि 4-4 बार ये मेरिट बनाते हैं और 11-11 नंबर 12-12 नंबर सर बढ़ जाती है, ये आप समझ सकते हैं सर। जब पॉइंट में रिजल्ट आया है तो फिर एक लड़का से दूसरे लड़का के बीच, एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच 13 नंबर सर कहाँ से आ जाती है, 1 नंबर नहीं सर 13 नंबर, आप समझ सकते हैं सर कितनी बड़ी धांधली हुई। सरकार बार बार सर कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज जो हमारे साथ कई बहनें हैं हर एक मतलब ऑल स्टेट से हम लोग आए हुए हैं सर और अपने हक मांगने के लिए आए हुए हैं, और हम लोगों पे सर आज जो है रोड पे इस प्रकार से जो है मतलब बर्ताव हम लोगों के साथ किया जाता है और किया जा रहा था दिल्ली पुलिस के द्वारा, सर आज कोई सुनने वाली नहीं है। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी पढ़ लिख करके अपना हक मांगने के लिए रोड पर आ गई है, आज सरकार कहाँ है क्या कर रही है, सरकार क्यों नहीं बेटी का बात सुन रही है। आज सर ऐसा नहीं है कि एक रोज दो रोज से हम लोग ऐसा कर रहे हैं सर, महीना रोज हो चुका है, आप जानते होंगे सर जी घर में जो है एक बेटी एक महिला कितनी सेफ रहती है, और वो आज महीना रोज से सर गली गली सड़क पे भटक रहे हैं और पुलिस सर उनको बार बार मेंटली टॉर्चर करते हैं सर, यहाँ तक कि हम लोग वहाँ रहना अगर हम लोग को कोई जगह देते थे तो उनको भी जाकर के वो टॉर्चर करते थे कि SSC GD के जो भी बंदे हैं उनको आप नहीं रखेंगे नहीं तो आप पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। इस प्रकार से सर व्यवहार हम लोग के साथ किया जाता है। तो और आज आप यहाँ आए हैं किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर पर, यहाँ क्या उम्मीद लेकर आए, यहाँ से क्या लगता है? यहाँ सर हम लोग किसान के बेटे हैं और हम लोग की जो है लड़ाई एक है सर, और क्योंकि इसलिए सर कि सरकार जो है सरकार बार बार हम लोग पे अत्याचार कर रही है, और हम लोग सर अगर चुप बैठेंगे हम लोग मतलब पूरे भारत की ये लड़ाई है सर, अगर हम लोग मिल करके नहीं लड़ेंगे तो हम लोग को सर जीत नहीं मिल सकती है, इसलिए सर हम लोग जो है यहाँ पे आस लेकर के आए हैं कि हम लोग का जो हक है समर्थन, किसानों को समर्थन चाहते हैं कि किसान भी हमारा मुद्दा उठाएं, ये चाहते हैं आप? सर हम लोग को वहाँ पे भटक रहे थे, हम लोग को मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, अब हम लोग सर यहाँ पर आए हैं, इनके बेटे हैं और हम लोग को सर सपोर्ट कर रहे हैं, और तो हम भी सर हमारा भी दायित्व बनता है कि सपोर्ट करें सर, और मतलब हम लोग जो है हम लोग का सर मतलब आप ये चाहते हैं कि आपका मुद्दा किसान भी उठाएं, जो किसान कानून की मांग उठा रहे हैं वो आपका ही मुद्दा उठाएं उसमें। जी जी, सरकार से मांग करें कि आपको भी जो है ज्वाइनिंग दी जाए। जी सर बिल्कुल सर, हम लोग का सर हम लोग अभी हम लोग सर इतना दिन से लड़ रहे हैं नहीं मिल रहा, जब ही तो सर हम लोग एक आस लेकर के आए कि हम लोग को सर यहाँ पर जो है कुछ आस ही लेकर के आए सर, हम लोग की सुनी जाए। किसान मांग कर रहे हैं नए कृषि कानून वापस करने की, उस पर भी आपका समर्थन है? जी बिल्कुल सर, जो भी मतलब गलत कानून है, जो भी गलत कानून है सरकार की, उनका विरोध करना हम भारतवासियों का जो पुण्य कर्तव्य होता है सर, और हम लोग जो है उनका विरोध करते हैं। किसान मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद।